अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ईटा टाइगर्स। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। बेसिक आइडियल गैस जो है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम इसका ग्राफ वगैरह डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि लो प्रेशर पे क्या होता है, ठीक है, आइडियल गैसेज में, एंड इसको कंपेयर भी कर लेंगे और हाई प्रेशर के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वैन डर वाल इक्वेशन की तरफ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस से। आइडियल गैस जो है इट इज़ दैट गैस व्हिच ओबेज गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जितनी भी जो है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं उन सब के अंदर जो है ये गैस लॉज को ओबे करती हैं। जो आइडियल गैसेज होती हैं बेसिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन हम इनको कंसिडर कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका ही हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। दे ओबे टू सम एक्सटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन तीनों गैसेस को हम लोग रियल गैस भी कहते हैं, ठीक है। रियल बिहेवियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग ये ले लें कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, अगर हम लोग एन को वन पुट कर लें सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। आइडियल गैसेस के लिए हमेशा जो एन होता है इसको हम लोग वन पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो आर टी है इसको अगर हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, मतलब पी वी डिवाइडेड बाई आर टी हो जाएगा। तो दूसरी तरफ क्या एन, एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वन थी, वो रह जाएगी, ठीक है। तो वन इज इक्वल टू पी वी आवर आर टी। तो ये जो है हमारे पास इक्वल होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये उसके इक्वल होगा, यूजुअली हम लोग जो वन लेते हैं आइडियल गैसेस के लिए लेते हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे, अब हम लोग देख लेते हैं डेविएशन एंड रीजंस को, ठीक है, कि ये जो डेविएशन आती है ये क्यों आती है और इसकी रीजंस क्या है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है, यहाँ पे आपने जेड भी लिखना है, जेड इज इक्वल्स टू पी वी इंटू एन आर टी बेसिकली, ठीक है। एक मिनट इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, जेड इज इक्वल्स टू पी वी और एन आर टी, सॉरी। अच्छा, यहाँ से आप मीथेन गैस को इधर भूल जाएं, वैसे मीथेन गैस भी ओबे करती है लेकिन इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन है वो है एन टू एच टू और सी ओ टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको डॉट्स में, ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। अगर आप लोग इससे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो जेड होता है वो ग्रेटर होता है वन से, और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है वन ग्रेटर होगा जेड से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। कहता है कि जब हमारे पास प्रेशर कम होगा, ठीक है, इस ग्राफ के मुताबिक जब भी प्रेशर हमारे पास कम होगा तो तब हमारे पास क्या होगा कि जो Z होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब कि प्रेशर जब भी कम है, ठीक है, तो तब क्या है हमारे पास Z जो है वो स्मॉलर है 1 से, मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। इस टाइम पे क्या है प्रेशर हमारे पास कम है, ठीक है, इसीलिए जो है हमारे पास क्या होगा कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमारे पास 1 से लेस आ रहा है, ठीक है। मतलब 1 अगर आप ये कंसिडर करें कि वो आइडियल का है 1, तो वो उससे लो पे आ रहा है। और जब कभी भी हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, कभी भी प्रेशर जो है वो हायर जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें, उसके प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब वो 1 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे इन शॉर्ट के हमारे पास जब कभी भी प्रेशर कम है तब हमारे पास 1 बड़ा है, जाहिर है वो पॉइंट्स में आ रहा है 0.5, 0.8, ये वो, क्यों, क्योंकि हम प्रेशर कम अप्लाई कर रहे हैं तो 1 हमारे पास ग्रेटर। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा करते जा रहे हैं आप उसको पॉइंट से ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर वो 1 आया, फिर 2, 3, 4, तो ये क्या है, ये प्रेशर उसका एटीएम में बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बड़ा हो रहा है 1 से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वन पी इज़ लेस वन पी डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन इज लेस देन 1, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ये जो मैंने अभी बोली है ये यही चीज़ है सारी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब इसकी दो केसेस के ऊपर। सबसे पहले हम लो प्रेशर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हाई प्रेशर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि एट लो प्रेशर, लो प्रेशर के ऊपर बेसिकली होता क्या है, कहता है कि नो अट्रैक्टिव फोर्सेज, मतलब आइडियल गैस होगी, जाहिर है जब आपने प्रेशर ज़्यादा अप्लाई नहीं किया तो वो मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, ये हमारे पास इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है, कंटेनर है इसके में प्रेशर इनके अंदर नहीं है, तो ये क्या है, ये खुले मूव कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है, तो इसलिए हम इसको आइडियल गैस कंसिडर करेंगे। और अट्रैक्टिव फोर्सेज जब प्रेजेंट होती हैं लो प्रेशर के ऊपर, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज भी उसके अंदर आ जाएंगी तो फिर वो रियल गैस बन जाएगी, ठीक है।
यूजुअली ये होता है हमारे पास कि जब आप प्रेशर नहीं अप्लाई करते तो एक्टर की फोर्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती उसके अंदर, तो हम उसको आइडियल गैस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैव नो वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखा है आइडियल गैस, जैसे द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैव वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल रियल गैस, मतलब दो चीज़ें हैं। अगर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं है वो हमारे पास आइडियल गैस आ जाएगी। अगर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस का वॉल्यूम आ रहा है तो फिर हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग रियल गैस कंसिडर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम लोग बात करेंगे इसकी तो ये हमारे पास ऐसे होगा कि देखिए पीवी अवर आरटी था ना, तो ये जो हमने सारी बात की है ये हम लोग, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेशक लिखे हुए तो साथ है लेकिन जब इनको हम सेपरेट करेंगे तो इनका इन्वर्स रिलेशन आता है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि प्रेशर लो है तो फिर उस टाइम क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, ज़ाहिर आप कंटेनर के ऊपर जो है वो कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो यहाँ पर, तो ये जो वॉल्यूम है ये तो उसका ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ज़्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम को ज़्यादा होना चाहिए लेकिन क्या होता है रियल गैसेस की अगर मैं बात करूँ तो उनके अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से उतना ज़्यादा नहीं होता जितना बेसिकली मतलब असल में उसको होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हम अट्रैक्टिव फोर्सेज उससे हटा लेते हैं तो फिर क्या मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज उससे हटा लेंगे तो फिर क्या होगी, वो हमारे पास आइडियल गैस बन जाएगी, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप लोगों को छोटी सी दे देती हूँ, वेट करें थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे मैं दे देती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि एक आइडियल गैस है, ठीक है, उसके लिए आप ले रहे हैं 10 × 5 और 2 × 25, ठीक है। कोई भी ये वैल्यूज़ आप ले रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज़ ये हैं हमारे पास, तो वो 50 आएगा, मतलब P1/V1 × P2/V2, ठीक है, जैसे कि P1/V1 × P2/V2, ठीक है, तो वो हमारे पास 50 आई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, मतलब दोनों की बराबर आएंगे। लेकिन ये अगर रियल गैसेज है, दो डिफरेंट गैसेज है, ठीक है, P1 जो है वो हमारे पास आ रहा है 10 आ रहा है, × V1 जो है 4 आ रहा है, लेकिन जो P2 है वो 2 × 25 आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है 40/50, मतलब क्या है कि 0.8% का जो है वो डिफरेंस आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जाते हैं हाई प्रेशर की तरफ, तो हाई प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन की तरफ भी आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब हम हाई प्रेशर की बात करेंगे तो मतलब P इंक्रीज़ होगा और जो V है हमारे पास वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ हो रहा होता है।